हाय फ्रेंड्स, मैं आकाश। देखिए, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अभी देखिए हर एग्ज़ाम में जो है आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर देना ही है, शायद वो CGL हो, CHSL हो, MTS हो या कोई बैंक का एग्ज़ाम हो। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है, एंड अगर SSC की बात करें तो डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अभी हम लोग के पास जो है SSC CGL का डिस्क्रिप्टिव पेपर है जो दिसंबर में होने वाला है, और MTS का है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि MTS में भी देखिए बहुत सारे बच्चे जो है टायर वन में बहुत अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन अगर उनका डिस्क्रिप्टिव पेपर में वो क्वालिफाई मार्क्स नहीं ला पाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो आप फिर जो है पूरा मेहनत आपका बेकार हो जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग देख लेते हैं इसमें हम लोग कैसे अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। जैसे मैं प्रैक्टिस करता था डिस्क्रिप्टिव पेपर में, तो कैसे हम लोग जो है करते थे डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, पहले तो है अपना जो है बेसिक्स इंप्रूव कर लीजिए, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे आपको अच्छा से ग्रामर जानना है, स्पेलिंग देखिए, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पेलिंग में गलती करेंगे तो वो इंप्रेशन ही ख़राब हो जाता है जो पढ़ेगा। जो पहले आपका जो ऐसे ही आप ले ले डेटर लिखेंगे, उसमें अगर आप स्पेलिंग गलती करेंगे तो उसमें एक इंप्रेशन बहुत ख़राब हो जाता है। तो अपना जो है पहले अपना ग्रामर अच्छा कर लीजिए, स्पेलिंग अच्छा कर लीजिए, ठीक है। तो आपको ये इम्पॉर्टेंट है एकदम बेसिक, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक जो है हम लोग का, रीडिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक। आपको रीडिंग मैक्सिमम करना है। देखिए, जो अच्छा पढ़ता है वही अच्छा लिखता है। आप जितना अच्छा सब पढ़ेंगे आप उतना आपको आइडिया ग्रो होगा, ठीक है। आपको रेगुलर बेसिस में करना है। इवन जो अच्छे राइटर्स है, रीडर्स है, वो रेगुलर बेसिस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका डेवलपिंग, ये जितना पढ़ेंगे उससे आपका क्या होगा, राइटिंग स्किल्स डेवलप होगा। और डिस्क्रिप्टिव पेपर में अगर आपको हाई स्कोर करना है तो आपको अच्छा से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आप जब पढ़ेंगे आपको मेनली करना है कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए वो लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं उसको ध्यान देना है, कौन से वर्ड्स वो लोग यूज़ कर रहे हैं वो ध्यान देना है, एंड कैसे फ्लो हो रहा है एक ऐसे या लेटर कैसे फ्लो हो रहा है, कैसे इंट्रोडक्शन हुआ, फिर डिस्क्रिप्शन दिया, फिर कंक्लूजन है, ये फ्लो भी आपको देखना है, ठीक है। देखिए, क्योंकि अभी जो एसेज आ रहे हैं वो टॉपिक्स, करेंट टॉपिक्स के ऊपर आ रहे हैं या पुराने भी दे रहे हैं, तो आपको जब पढ़ेंगे तो आप साइंस, पॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज, आर्ट सब्जेक्ट, ये सब ज़रूर आपको पढ़ना ही है इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपका जो है इफेक्टिव राइटिंग एंड आप गलती ना करें वो सब आपके ध्यान में आएगा दोस्तों। तो बहुत रीडिंग पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगज़ीन पढ़िए, आपके पास कोई ऐसे बुक है तो उसको पढ़िए, ठीक है। तो लेकिन मैक्सिमम पढ़िए। इसके बाद देखिए, चलो मैंने बेसिक्स ठीक कर लिया, मैंने रीडिंग कैपेसिटी भी बना लिया, आपने क्या किया, गलती क्या हो गया, आप लिखने का प्रैक्टिस नहीं किए, आप जाके एकदम एग्जाम सेंटर में लिख रहे हैं, उससे क्या होगा दोस्तों। पहले देखेंगे आप अगर कोई भी चीज़ घर में अगर प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको कहाँ से शुरू करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, आप लिखेंगे फिर उसको काटेंगे तो पूरा बेकार हो जाएगा। तो उसीलिए आपको रेगुलर बेसिस में आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। आप एक ऐसे लिखिए या लेटर लिखिए, कोई भी लिखिए लेकिन लिखते रहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये याद रखना है, ठीक है। और क्या, जैसे आपने कोई आज टॉपिक उठा लिया, कोई भी एक टॉपिक, जैसे हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या स्वच्छ भारत मिशन, कोई भी एक टॉपिक ले लिया इसे क्या, उसको आप लिखिए, ठीक है। लिखने के बाद इवन मैं बोलूँगा ब्लॉक में लिखिए, क्योंकि आज के डेट में तो पूरा ब्लॉक में ही दे रहा है आपको। आप एक पेपर में कंप्यूटर प्रिंटआउट ले लीजिए ब्लॉक का, ठीक है। 250 वर्ड्स में आपको ऐसे लिखना है एंड 150 से 200 में लेटर लिखना है, तो आप ब्लॉक में ले लीजिए, उसमें आप ऐसे या लेटर लिखिए। लिखने के बाद वो आप कोई, आपके पास अगर कोई टीचर है, कोई फ्रेंड है जिसका इंग्लिश अच्छा है, तो उसे एक बार करेक्शन करा लीजिए। सो दैट क्या होगा, आप अपना गलती नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन वो जब पढ़ेगा तो आप अपना वो गलती निकल आएगा, ठीक है। अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो मैं यूज़ करता था। सपोज़ कोई आपका आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं या एग्जाम सेंटर में आपका कोई टॉपिक आया है, आपको समझ में नहीं आ रहा आप कैसे स्टार्ट करेंगे, तो क्या करेंगे ना, जब आपके दिमाग में वो जब टॉपिक आपने पढ़ा, दिमाग में जो भी आ रहा है आप उसको पॉइंट्स उसको जॉट डाउन करना शुरू कर दीजिए। जैसे स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने ये टॉपिक देखा, आपको दिमाग में क्या आ रहा है, कब ये लॉन्च हुआ, कौन ये लॉन्च किया, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके डिमेरिट्स क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगे, ठीक है। तो पूरा आपने जो भी है आपने जॉट डाउन कर लिया,
फिर जॉट डाउन करने के बाद जो भी आया आप हैपजर्ड जो भी आ रहा है आप जॉट डाउन कर लीजिए जितना आपके पॉइंट्स आ रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे ये पॉइंट्स को अरेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू इंट्रोडक्शन, फिर एसे का बॉडी एंड कंक्लूशन, इस हिसाब में आप फ्लो में अरेंज कर लेंगे। उसके बाद आप वो एक एक पॉइंट देके अगर लिखेंगे तो आपका अच्छा भी होगा और आपको आप एकदम सिस्टमेटिक वे से आप लिख पाएंगे दोस्तों। तो ये बहुत कीजिए, मैं भी ज़रूर हमेशा ये करता था। नेक्स्ट हम लोग को लास्ट जो है आप सिंपल वर्ड्स लिखिए, आपको कोई नहीं बोला है आप एकदम भारी भरकम वर्ड लिखेंगे या उस वर्ड को आपको मीनिंग पता है लेकिन यूजिंग नहीं पता, यूजेस नहीं पता। इंग्लिश में यूजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने भारी भरकम वर्ड तो लिख लिया लेकिन कैसे उसको यूज़ करना है, उसके साथ कौन सा एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन जाएगा, कैसे लिखना है, वो आपको नहीं आता है, फिर जो है एग्जामिनर आपका मार्क्स काट सकता है। तो उससे बेटर है आप सिंपल वर्ड्स लिखिए एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है वर्ड लिमिट में लिखिए दोस्तों, क्योंकि वर्ड लिमिट में नहीं करेंगे, सपोज आपको 250 वर्ड्स में लिखा है, आपने क्या किया पूरा 300 वर्ड्स लिख लिए, ठीक है 50 वर्ड्स ज़्यादा लिख लिए और वो 50 वर्ड्स आपका कंक्लूशन था, ठीक है तो क्या करेगा एसएससी, वो आपका 50 वर्ड्स काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, आप एक ने एक ऐसे लिखे जिसका 50 वर्ड्स काउंट नहीं हुआ, मतलब आपने कंक्लूजन को काउंट नहीं किया, मतलब आप एक ऐसे लिखे जिसका कंक्लूजन ही नहीं है, ठीक है तो मतलब आपको मार्क्स उतना नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली वर्ड लिमिट में रखिए, बहुत अच्छा होगा। और इससे पहले देखिए मेरा एक वीडियो भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव पेपर बोल के, मेरा प्लेलिस्ट में खुला हुआ है, वो ज़रूर उसमें आइए, उसमें मार्क्स किस में कौन सा दिया हुआ है वो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। देखिए एग्जामिनर एक्चुअली चाहता क्या है, एग्जामिनर चाहता है कोई भी टॉपिक दे दे उसका तो आपको उसके ऊपर तो जो बेसिक फैक्ट्स है आपको देना ही पड़ेगा एंड आपकी सोच क्या है वो भी आप ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, उससे मार्क्स बहुत, जैसे इस बार दिया गया था बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है वो दिया गया था, उसमें आपको एग्जामिनर सिर्फ आपको फैक्ट्स नहीं पूछ रहा है, आपने फैक्ट्स दे दिया कब लॉन्च हुआ कैसे लॉन्च हुआ क्या बेनिफिट्स है क्या डिमेरिट्स है सब आपने दे दिया, आपका राय भी पूछ रहा है, आप अपना इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल ओपिनियन भी दीजिए कि कैसा है स्कीम क्या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है ये ज़रूर दीजिएगा। बच्चे कुछ करते कि अपना पूरा इन्फॉर्मेशन फैक्ट से भर देते लेकिन अपना राय नहीं देते तो उससे मार्क्स आपको उतना नहीं मिलेगा, तो ज़रूर अपना ओपिनियन भी दीजिए। तो चलिए वीडियो, मुझे लगा ये टिप्स ज़रूर आप यूज़ कीजिए डेली बेसिस में, आप डिस्क्रिप्टिव पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, मेरा भी हमेशा डिस्क्रिप्टिव पेपर में अच्छा स्कोर था दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कैसा है ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा दोस्तों, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।